तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और शानदार वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रैंक करने की तो एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, बट ये कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है, जो कि अपने अमित भाई के साथ हुआ। अमित भाई की जो टीम में बंदे हैं उन लोगों ने कुछ इस तरह का प्रैंक किया कि भाई उनकी अमित भाई की जान पर बनाई। तो आज हम उसी को दिखाने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, ये अक्सर बड़े बड़े चैलेंजेस, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों इन्हीं ने एक और चैलेंज लिया जिसमें यह 24 आवर्स एक ताबूत के अंदर रहने वाले हैं, उसी के अंदर खाना, उसी के अंदर पीना। तो दोस्तों यह घटना उसी के द्वारा हुई थी, जिससे अमित भाई हो गए थे बहुत ही गुस्सा। तो भाई क्यों नहीं होंगे गुस्सा, जिसकी जान पर खतरा आ जाए तो बाद में उसे गुस्सा आएगा जान बूझ कर। तो दोस्तों इस ताबूत में रहने पर उन्हें एक पाइप भी लगा दिया गया मैन ऑक्सीजन के लिए, जिससे कि घुटन ना हो, और ऊपर से एक हॉल कर दिया गया जिसमें आप देख सकते हैं, और ऊपर से कांच लगा दिया गया जिससे इमरजेंसी के कारण हम उन्हें निकाल सकें। तो दोस्तों ये अपने इसी तरह की वीडियोस के लिए अभी वायरल रहते हैं, जैसे कि अपने एक इंडियन हैकर और एक अपने अमित भाई। तो जैसे कि दोस्तों इन लोगों ने कांच लगा दिया और अपने अमित भाई को अंदर रख दिया, और आप देखते हैं। तो दोस्तों इन लोगों ने कुछ इस तरह का प्रैंक किया कि इन्होंने पाइप के अंदर से धुआं डाल दिया। तो आप लोगों को पता ही है कि धुएं में सांस लेना नामुमकिन है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह का हुआ। इन लोगों ने दोस्तों प्रैंक करने के चक्कर में, मस्ती मजाक में, इन लोगों ने उस जहां से ऑक्सीजन जा रही थी जिस पाइप के द्वारा, उसी पाइप से इन लोगों ने, जो इनकी टीम में बंदे हैं उन लोगों ने उस पाइप के द्वारा धुआं डाल दिया, जिससे अमित भाई बहुत ही घबरा गए और एक तरह की घुटन होने लगी, जिससे वह मरते मरते भी बचे हैं। और उन लोगों ने फिर बाद में प्रैंक करने के चक्कर में अभी अमित भाई पे दिक्कत आ गई, तो और उन लोगों ने तुरंत ही जल्दी से निकाला। और अमित भाई का क्या रिएक्शन रहा आप लोगों को चलो दिखाता हूँ। ऐसे इसको किसी भी तरीके से नहीं तोड़ सकते थे, सांस रोक के बैठ गया था मैं, फिर रुक भी नहीं रही थी, तो वो जा रही थी अंदर इतनी भयंकर धुआं, और वो बस यहाँ तक ही जाती है, वो सांस अंदर जाती नहीं है। वो तुम ऐसी चीज़ करते जिससे मुझे दिक्कत हो, परेशानी हो, मैं मान लिया, लेकिन जिसमें जान का रिस्क हो वो तब तो कौन करेगा। जब तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया कि जिसमें अमित भाई बता रहे हैं कि उन लोग उन्हें क्या तकलीफ हुई अंदर, इन लोगों के प्रैंक के चक्कर में अमित भाई की जान भी जा सकती थी, बहुत ही खतरा बढ़ चुका था। अगर ग्लास नहीं लगा होता और इमरजेंसी में नहीं निकाला होता तो शायद कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों आप लोगों को यह एक्सपेरिमेंट वीडियो कैसा लगा, आप लोगों ने इनके यूट्यूब चैनल पर देख ली होगी, तो हमें कमेंट में ज़रूर मिलाएँ। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।